सिनेमा देखो। बाबू ने कुछ नहीं कहा, बोले अच्छा सिनेमा देखो। उसने उसको टिकट दे दी और फिर सहारा दे करके हॉल तक लेके गया, जो उसकी कुर्सी नंबर था वहां तक ले जाके बैठा दिया और कहा अगर कोई दिक्कत हो ना तो आप यहाँ आ जाना, कमरे पर आ जाना, कोई दिक्कत ना पाना। बोले अच्छा बेटा। वो अंदर बैठ के जाके उसने सिनेमा देखा, फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद में फिर वो आई, उस बाबू ने उनको तभी रास्ते में ले लिया, बोले आ जाओ थोड़ी देर पानी पीते जाओ बैठो। कमरे में फिर से आ गई, बैठ गई पानी के लिए। उसने कहा अब वो जाने की बात आई, वो बोला मैं रिक्शा ला देता हूँ आपके लिए, आप चले जाना। बोले अच्छा बेटा। अभी वो रिक्शा के लिए निकलने वाला था, उसके मन में भी एक विचार आया जो लोगों के मन में था। वो बोला माता जी एक बात बताओगे, तकलीफ ना मन में मेरी, नहीं बेटा बता क्या बात है। बोले आपकी तबीयत खराब, आपकी इतनी उम्र, आप क्या सोच करके फिल्म देखने आई, आपकी ये इतनी उम्र और आपको तकलीफ, और फिर क्या सोच करके आप फिल्म देखने आई हो इस धूप में। ये बात सुनकर वो सुबक पड़े, उसकी वृद्ध आंखों से आंसू टप टप गिरे। माता जी माफ करना, क्षमा करना, मैंने कोई गलत बात तो पूछी नहीं थी, फिर भी आपको बुरी लगी, आप क्षमा कर दो, आप तो माता हो, क्षमा कर दो, मैं तो वैसे ही पूछ लिया आपसे, आपका मैं कोई दिल नहीं दुखाना चाहे, कोई बूढ़े फिल्म नहीं देखते क्या, ऐसे मेरी कोई भावना नहीं थी। हम आप नहीं बेटा तेरी बात से मैंने कोई बुरा नहीं माना। बोले फिर आप रोई क्यों। उसने आंखें पोंछी, बोले बेटा रोने का कारण कुछ और है। क्या कारण है। वो बोली मैंने इस फिल्म का पोस्टर देखा था, इस फिल्म का जो नायक है उसका फोटो उसके ऊपर था। बेटा मेरा एक ही बेटा था और उसकी शक्ल इस नायक से मिलती थी, वो बेटा जवानी में गुजर गया और मेरा कोई है नहीं, मैं तो अपने बेटे को ढूंढने आई थी, देखने आई थी, और मैं सोचती थी मेरा बेटा आज होता वो भी इसी तरह का होता, बड़ा हो गया होता तो उसकी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है इसके नायक की, इसलिए मैं आई थी। और मैंने फिल्म में क्या देखना था, मैं तो अपने बेटे को देखने आई थी। इतनी पीड़ा इसके मन के अंदर, हम क्या सोच रहे हैं कि सिनेमा देखने आई है, क्या वो सिनेमा देखने आई थी, क्या वो फिल्म देखने आई थी। उसकी पीड़ा सुनकर एक बार बाबू की आंखें भी नम हो गई, बेचारी का एक ही बेटा था वही चला गया। उसका माता जी चलो मैंने पूछ लिया आपको, नहीं बेटा तेने कोई गलत बात नहीं पूछी, तूने तेरा मैंने कोई बुरा नहीं, बस बेटे की याद आ गई, कोई बात नहीं। रिक्शा आ गई इतनी देर में, उसने सहारा दिया और दे करके रिक्शा में बैठाया। रिक्शा भी चलने वाला था, जाते जाते बुढ़िया बोले बेटा अपना नाम तो बता दे। उसने अपना नाम बता दिया। बोले अच्छा। रिक्शा चला गया, वो अपने घर चली गई। बाबू आकर के अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बोले देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे दुख ढके रहते हैं, कौन कैसी पीड़ाएं अपने कलेजे में लिए रहता है, हम क्या देख पाते हैं, हम तो ऊपर का वातावरण देखते हैं, हमने भी सोच लिया बुढ़िया सिनेमा देखने आई है, बेचारी कितनी पीड़ा में थी, इसका कष्ट कोई समझ सकता है क्या। वो सोचता रहा, समय हो गया, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, वो अपने घर चला गया, बात खत्म हो गई, समय बीतता रहा, बस बात आई गई खत्म हो गई। एक दिन के बाद वो अपने घर पर था, कौन बाबू घर पर था, वो दूसरे मंजिल पर रहता था। किसी ने दरवाजा खटखटाया, अब दरवाजा खटखटाने के भी तरीके होते, जोर से खटखटाया, किसने जोर से दरवाजा खटखटाया और साथ में कहा दरवाजा खोलो, बड़ी डांट की आवाज भी साथ में आई। उसने कहा कौन है, ऊपर से उसने झांक करके देखा क्या मामला है कौन है, उसने देखा पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, किसी के दरवाजे और पुलिस की गाड़ी आकर के खड़ी हो जाए किसका कलेजा नहीं एक बार को कांपेगा। उसने कहा और सिपाही दरवाजा खटखटा रहा था, वो ऊपर से बोला क्या बात है जी,
आवाज भी तो नहीं निकलती ना डर में, और पुलिस बोली नीचे आओ, वो तो घबरा गया कि क्या बात होगी, मेरा तो कोई मामला भी नहीं था, कोई केस भी नहीं था। वह नीचे आया, उसके पत्नी साथ साथ नीचे आई कि किसने क्या बात कर दी, कोई झूठा नाम रख दिया, पुलिस आई है। दरवाजा खोला, हाँ जी आओ चलो बैठो गाड़ी में। भाइयों, किसी को पुलिस यूँ कह दिया आओ चलो बैठो गाड़ी में तो फिर कलेजा नहीं कांप जाएगा। उसे घर वाले जी ये तो बताओ बात क्या, कोई बात नहीं बात पता चल जाएगी, बैठो बैठो चलो। पुलिस की तो भाषा भी बड़ी कठोर सी होती है, वो कहती रहेगी और पुलिस ने तो बांह पकड़ी उसके, चला बैठो, गाड़ी में बैठाया और गाड़ी वो गई, गाड़ी वो गई। वो तो पड़ोसियों को बुला के लाई उसके पत्नी कि मेरे पति को पुलिस उठा के ले गई, क्या बात हुई, बात तो कुछ नहीं, मर्द किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, बस पुलिस आई ले गई, कहीं धोखे में तो नहीं ले गई, पता नहीं, हमने तो पूछा भी था, बस एक बात थी, उन्होंने नाम पूछा था, तुम्हारा ये नाम है, हाँ जी, और ले गई, चलो भाई थाने चलो। कई पड़ोसियों ने कहा चलो, पुलिस उसे थाने नहीं लेगी, पुलिस लेकर गए उसको बैंक में। उसने सोचा कि भी तो कोई बैंक फ्रॉड तेरे जिम्मे लग गया, कोई बात होगी, क्या बात, गया वह पहुंचा, बैंक के मैनेजर ने कहा तुम्हारा ये नाम है, हाँ जी बैठो जी, बात तो बताओ क्या बात है, मुझे पुलिस से बुलवाया आपने, क्या बात, बैठो बैठो अभी बात करते हैं। उसका तो दिल धड़क पड़ा भी, क्या बात होगी, क्या फ्रॉड हो गया। वो अपने काम से निमट करके उसकी तरफ देख करके बोला हाँ जी ये नाम है तुम्हारा, हाँ जी, और वो सिनेमा में नौकरी तुम करते हो, बोले हाँ जी करता हूँ, पर मेरी शिकायत तो बता दो, क्या शिकायत है मेरी, अभी बात करते हैं। वहां पर तुम टिकट देते हो, बोले हाँ जी मैं टिकट देता हूँ, ठीक लो जरा ये पर्चा देखो और अपने साइन करो, जी मैं साइन तो तब करूंगा पहले मुझे बात बता, अरे पर्चा तो देख लो, हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं क्या, जरा पर्चा देखो, जी आप मुझे बता दीजिए तुम्हारे को कोई बुढ़िया मिली थी, ना जी मेरा तो कोई काम नहीं, अरे कोई बुढ़िया तुम याद करो, कोई बुढ़िया मिली हो तुम्हारे को, कोई बात हुई हो, तुमने किसी बुढ़िया की सेवा करी हो। उसने सोचा, बोले नहीं मैंने तो कोई सेवा नहीं की, एक बार एक बुढ़िया गिर पड़ी थी वहां, मैंने उसको उठा करके अपने ऑफिस में तो जरूर बैठाया था, और मेरा तो कोई काम नहीं पड़ा। बोले हाँ ये उसी का ही है, उस बुढ़िया का ये नाम था और उसकी डेथ हो गई, उसने अपने वसीयत में अपना नाम तुम्हारे नाम किया, अपना मकान। वो किस बात का जी, बोले भाई ये तो वही जाने, उसने अपना मकान आपके नाम किया, आपने उसकी सेवा की, उसने लिखवा है लिखा इस बारे में, किसने मेरी बहुत सेवा करी, मैं उसके एहसान मंद हूँ और मेरा आगे कोई संतान नहीं है, मैं अपना मकान उसके नाम करती हूँ, और वो तो आपका बस नाम ही जान लिखा हुआ है, एड्रेस भी नहीं है, बस केवल ये बताया कि आप वहाँ टिकट देते हो। वो सोचता रह गया, मैंने तो एक जरा सा ही तो काम किया था, छोटा सा काम किया था, कौन सा काम किया था, एक बेचारी वो गिर पड़ी थी और उसको उठा के सहारा दे के अंदर बैठाया था, मैंने ऐसा क्या काम किया था। बाबू ने कहा, आप मैनेजर ने कहा साइन करो, काम निपटाओ, साइन उसने कर दिए, मकान उसको मिल गया और वह चला गया, बंद हुआ। मैंने एक बार ये कहानी सुनाई, एक भाई ने बोला ऐसी बुढ़िया हमारी को नहीं मिलती, जो अपना मकान हमारे नाम कर जाए। मैंने कहा देखो माताएं तो मिल जाए, सेवा का तो मादा पैदा करो, किसी की सेवा तो करो पहले। उसने सेवा करी थी, छोटी सेवा थी बड़ी सेवा थी, ये तो उसका मन जाने वृद्धा माता का, लेकिन उसने सेवा करी ना, सेवा करे तो फल भी पाया। अगर तुम भी सेवा करो, एक मकान के क्या बात, कितने मकान खड़े हो जाए। भगवान महावीर ने कहा फरमाया, गोयमा पाणानो कंपाय, जीवाणु कंपाय, सत्तानो कंपाय, भूयाणु कंपाय, जाओ गोयमा जीवाणु साया वी निजं कम्मं कज्जन्ति। जो इस प्रकार से सेवा करते हैं वे सेवा का फल सुख प्राप्त किया करते हैं। तो गौतम स्वामी ने पूछा था कि ये सुख कैसे प्राप्त हुआ करता है, क्यों कर हुआ करता है। आज की चर्चा में आप समझ पाए होंगे कि ये कैसे प्राप्त और क्यों कर प्राप्त होता है। जो सेवा करते हैं उन्हें सुख प्राप्त होता है, जो दूसरों को सुख देते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है, बोलो सुख प्राप्त होता है। सुख बांटो
सुख प्राप्त होगा। और चर्चा फिर आगे, आज की चर्चा यहीं तक करते हैं और अब मिल करके बोलेंगे। जिन शासन गारव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन शक्तार अमात जो परिवार, शक्तार अमात जो परिवार, तज सुख वैभव जिन दीक्षा धार, तज सुख वैभव जिन दीक्षा, निज आत्म सदन सजाते हैं, निज आत्म सदन सजाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते। बंधु शूलभद्र मुनि की साधना, उनकी महानता आपने सुनी। उन मुनि की बात तो यहां विराम लेती है कि गुरु के पास गए, जाकर उन्होंने अपनी आलोचना की, प्रायश्चित लिया और कहा स्थूल भद्र स्थूल भद्र है। वैसा साधक अत्यंत कठिन है। मैंने शेर की गुफा पर चतुर्मास कर लिया, लेकिन मैं कोशा के यहाँ चतुर्मास करके मैं अपने मार्ग से भटक गया। और धन्य हो उस नारी को जिसने मुझे सन्मार्ग दिखाया, अन्यथा मैं भटक गया था। गुरुदेव, जो भी मेरा शुद्धिकरण हेतु दंड और प्रायश्चित हो मुझे दे दीजिए। रोग है तो औषध भी, अपराध है तो बंध वो उसका प्रायश्चित भी है। गुरु ने योग्य प्रायश्चित दिया और वो साधु सन्मार्ग के ऊपर आ गया, साधना करने लगा। सभी के मन में एक सहज भाव, स्थूल भद्र महान साधक थे, ये कौन थे, कहाँ के थे, क्या किस तरह इन्होंने दीक्षा ली, ये कुछ प्रश्न उभरते हैं। बंधु, इन सबको जानने के लिए हम अब फिर से पाटलिपुत्र चलते हैं। वही पाटलिपुत्र जहां पर कोशा रहती थी, वही पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी थी एक बड़े राज्य की, और यहां पर नंद साम्राज्य का राज था। ये तो इतिहास की बात है, कोई धार्मिक इतिहास नहीं, ये तो सहज इतिहास में नंद साम्राज्य को, नंद वंश के राज्य को कोई भी पढ़ सकता है। उस समय जबकि ये घटनाएं हम कहने जा रहे हैं, तब महानंद नाम के नंद का शासन था, ये नंद वंश कहलाता है। इतिहास में कितने सारे गुप्त वंश हुआ, नंद वंश हुआ, और वंशों के जिक्र है।
तो ये नंद वंश का साम्राज्य था और उस समय राज्य था महानंद का। महानंद एक ऐसा राजा था जिसको सुख ऐश आराम यही पसंद थे। फिर राज्य कैसे चलता था? राज्य जो चलता था वह उनके मंत्री के कारण चलता था। उनके मंत्री का नाम था शक्तार और इसको प्राकृत भाषा में सकडाल कहते हैं। नाम इसका संस्कृत उच्चारण में शक्तार है, प्राकृत में इसको सकडाल कहते हैं। सकडाल इनका मंत्री था और वह जैन था। मंत्री था, जैन था, बहुत बुद्धिमान था, बड़ा वफादार था, बड़ा ईमानदार था। पूरे राज्य की व्यवस्था देखभाल वो व्यक्ति करता था। नंद तो, महानंद तो निश्चिंत था, अपने आप में सब कुछ शक्तार कर रहा, वो जान रहा, वो कर रहा है। इस तरह है ये राज्य संचालित हो रहा था। हमारा जो केंद्र बिंदु है वो शक्तार है। शक्तार का परिवार धार्मिक था, ये स्वयं जैन था, परिवार में भी जैन संस्कार थे। इसके दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम स्थूल भद्र था, छोटे बेटे का नाम श्रीयक था। क्या नाम था? श्रीयक था। और इसकी सात बेटियां थी, छोटी थी, उनका नाम यक्षा आदि। सात बेटियां, समय के अनुसार नाम भी बताएंगे। सात बेटियां थी, ये इसकी कुल नौ संतानें